इतनी बेहतरीन क्वालिटी और इससे ज्यादा सस्ता शॉपिंग मॉल मैंने पूरे मदीने में नहीं देखा। हर चीज आपको 13 रियाल में मिलेगी। जी आप ये चीजें देख रहे हैं, बच्चों के कपड़ों से लेकर बड़ों के कपड़े, जूते, पर्स, वॉलेट, सैंडल्स, नाइट ड्रेस, मैक्सी, हर चीज आपको 13 रियाल में मिलने वाली है। वेलकम टू मेमन स्वैग। आज मैं आप लोगों को कुछ सिखाने और कुछ दिखाने के लिए आई हूँ कि मदीना में सस्ती शॉपिंग कैसे की जाती है और कहाँ से की जाती है। अब बोलोगे कि भाई इबादत कर लो, तो भाई इबादत करने के बाद ही हम शॉपिंग पर निकले हैं, ताकि मैं आप लोगों को भी बता सकूं कि भाई सस्ती शॉपिंग आप लोग मदीना में कहां से कर सकते हैं। अब मेरे जरिए से आप लोगों को भी फायदा हो रहा है, तो इसमें बुरा क्या है, तो चलो चलें। तो जी वेलकम टू दी मदीना वर्ल्ड। इस शॉपिंग मॉल के बारे में काफी सारे लोगों को नहीं पता होता, और आसान लोकेशन ये है कि मदीना का जो मेन गेट है जहाँ पे 5 गुंबद बने हुए हैं, वहाँ से आप बिल्कुल सीधा जाएंगे तो इस तरह के आपको फूड कार्ट नजर आएंगे। यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज के फूड अवेलेबल है, इटालियन, मैक्सिकन, इजिप्शियन, अफ्रीकन, पाकिस्तानी, इंडियन, सारे फूड्स मिल जाएंगे आपको, बट थोड़े से रेट्स आई हैं। तो जी उसी रूट को पकड़ते हुए बिल्कुल सीधा आएंगे, आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा, आपको नजर आ जाएगा सामने टॉप 10 शॉपिंग मॉल। तो जी पहले यहाँ पर हर चीज 10 रियाल की मिलती थी, लेकिन जब से महंगाई हुई है तो हर चीज यहाँ पे 13 रियाल की हो गई है। और इस शॉपिंग मॉल की खास बात यह है कि यहाँ पर हर चीज बेहतरीन क्वालिटी की मिलती है। कुछ चीजों की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, लेकिन ज्यादातर चीजों की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है और बेहतरीन है। एंड ऑफ कोर्स प्राइसेस आर वेरी अफोर्डेबल। तो भाई यहाँ पे मैंने अरबी औरतों को देखा है कि वो 3-3, 4-4 ट्रॉली भर के शॉपिंग कर रही होती हैं। अभी ये मॉल थोड़ा सा खाली खाली है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को नहीं पता, ज्यादा अरबियों को ही पता है इस शॉपिंग मॉल के बारे में। हमारे पाकिस्तानी और इंडियंस जो जाते हैं उनको ज्यादातर नहीं पता होता। तो भाई आपकी बहन बेटी है आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी और सस्ती सस्ती चीजें लाने के लिए। आप ये शूज देखें, ये शूज भी 13 रियाल के हैं। यहाँ पर हर चीज 13 रियाल की है। शूज की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, मेरा दिल कर रहा था मैं ले लूं, लेकिन मेरा वेट इतना नहीं था कि मैं इसे लेकर जा सकूं। तो अगर आप लोगों का माइंड बन रहा है यहाँ पे चीजें देख कर के आपको बाय करनी है, तो अपना लगेज थोड़ा सा हल्का कर कर आना, क्योंकि चीजें तो ले लोगे, बाद में एयरपोर्ट पे कस्टम वाले पकड़ लेंगे कि भाई हम भी है, हमारा भी थोड़ा ख्याल कर ले, आपका वेट बहुत ज्यादा हो चुका है, आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, और फिर उस टाइम पर हो जाएगी हालत टाइट। तो इसीलिए सामान उतना ही खरीदो जितना अफोर्ड कर पाओ एयरपोर्ट पर। तो भाई जब से मैंने अपने आप को चेंज किया है, मैंने क्या किया, मतलब अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाला कि मैं अब अपने आप को बदल लूं, अब मैं पर्दा करना स्टार्ट कर दूं। तो उसके बाद से काफी लोगों ने मुझे ट्रॉल भी किया, काफी लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया। जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया उनका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको भी दीन के रास्ते पर आने की तौफीक दे। और जिन लोगों ने मुझे ट्रोल किया, अब वो सुन लें, आपके मुझे बुरा भला कहने से, आपके मुझे ये कहने से कि पर्दा क्यों कर रही हो बहन, दिखावे के लिए पर्दा किया है एक्स वाई जेड जो भी। तो हिजाब तो मैं पहले भी करती थी, लेकिन बुरखा नहीं पहनती थी और पर्दा नहीं करती थी। तो आपके इन अल्फाज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात यह कि देर से ही सही मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि हम मुसलमान हैं, और मुसलमान लड़कियों और औरतों पर पर्दा फर्ज है। जैसे नमाज फर्ज है, उसी तरह से पर्दा भी फर्ज है, और जिस तरह नमाज ना पढ़ने की सजा है, उसी तरह पर्दा ना करने की भी सजा है। और ये दुनिया वाकई में टेम्पररी है, और आखिरत की जिंदगी परमिनेंट है। तो मैं क्यों दुनिया के अंदर बेपर्दा घूमूं और अपनी आखिरत को खराब कर लूं? औरत पर्दे में रहकर हर काम कर सकती है, तो जो मैं काम कर रही हूं क्यों ना मैं वो पर्दे में रहकर करूं। और आप लोग मेरे फॉलोअर्स हैं, आप लोग मुझे भी फॉलो करते हैं, तो अगर मैं बेहया बनकर घूमूंगी, मैं पर्दा नहीं करूंगी, और मैं तरह तरह का फैशन अपने कंटेंट में शेयर करूंगी, और मुझे देखकर जिसने भी उसको फॉलो किया, तो जाहिर सी बात है गुनाह तो मुझे भी मिलेगा, और मैं हूँ मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्यों ना मैं अपनी उन बहनों को ये चीज दिखाऊं कि आप लोग पर्दे में रहकर भी हर काम कर सकती हैं। जरूरी नहीं है कि आप बेहया बन के घूमें, आप बेपर्दा घूमें। सिर्फ सर पर स्कार्फ पहन लेने से आपका हिजाब नहीं कम्प्लीट हो जाता, आपको अपनी बॉडी भी कवर करनी है, मतलब आपको ढीले कपड़े पहनने हैं, आपका लिबास इतना ढीला हो कि उसमें आपका बॉडी शेप नजर ना आए, और उसके ऊपर आपको हिजाब करना है और निकाब करना है। ये है औरत का पर्दा। और आजकल लोगों ने हिजाब का भी मजाक बनाया हुआ है, ऊपर स्कार्फ पहन लेते हैं, नीचे पैंट शर्ट पहन लेते हैं, और समझते हैं हमारा हिजाब हो गया। तो ये हिजाब नहीं है बहन, आपकी बॉडी भी फुल कवर होनी चाहिए और आपका लिबास ढीला होना चाहिए। पहले मैं भी वेस्टर्न ड्रेसिंग कर लेती थी और हिजाब पहन लेती थी, और मैं समझती थी कि मेरा हिजाब हो गया, लेकिन बाद में जब मैंने कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना स्टार्ट किया, तब मुझे पता चला कि ये पर्दा नहीं है। बॉडी कवर्ड होना और फेस कवर्ड होना, ये है पर्दा। और आप यकीन करें, मैंने हर तरह का लिबास पहन के देख लिया, जितना सुकून, जितनी प्रोटेक्शन आपको पर्दे में मिलती है ना, उतनी आपको किसी लिबास में नहीं मिलती। जितना सिक्योर आप पर्दे में फील करेंगी ना, उतना आप किसी लिबास में फील नहीं करेंगी। मैं भी तो काफी मॉडर्न थी, फिर मैं क्यों इस्लाम की तरफ आ गई, क्योंकि मैंने उस लाइफ को भी फील करके देख लिया और इस्लामिक लाइफ को भी फील करके देखा, तो मुझे इस्लामिक जिंदगी ज्यादा
अच्छी लगी उस बेपर्दा जिंदगी के बनिस्बत। और जब आपको ये चीज समझ आ जाएगी ना कि ये दुनिया की लाइफ कुछ भी नहीं है, लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, लोग आपको धोखा दे देते हैं, कोई आपका साथ नहीं देता, अल्लाह के सिवा कोई आपका साथ नहीं देगा, तो फिर आपको इस दुनिया से कोई मोहब्बत नहीं रहती। आपको जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है ना, और अल्लाह पर यकीन इतना आपका पुख्ता हो जाता है, जब भी आप सैड होते हो आप ये अल्लाह से मांगते हो कि अल्लाह आप देख रहे हैं ना, आप मुझे सब्र दें, आप मेरी मदद करें, तो आप यकीन करें अल्लाह आपकी ऐसी मदद करता है कि आपको अल्लाह से और मोहब्बत होने लग जाती है। और फिर हम अपने अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते हैं। देखिए सिस्टर्स, आप लोग मुस्लिम्स हैं, क्या आप जानती हैं कि एक मुस्लिम औरत में और एक काफिर औरत में फर्क क्या है? मुस्लिम औरत पर्दा करती है और काफिर औरत पर्दा नहीं करती। मुस्लिम औरत नमाज पढ़ती है और काफिर औरत नमाज नहीं पढ़ती। तो हम क्यों काफिरों के ट्रेंड को अपना रहे हैं? जब अल्लाह ने हमें बता दिया कि आप मुस्लिम्स हैं और आपको कैसे इस दुनिया में रहना है, हम क्यों काफिरों को फॉलो करें? वो तो चाहते हैं कि ये मुसलमान अपनी राह से भटक जाए, क्योंकि वो शैतान है और शैतान चाहता है कि मुसलमान अपने राह से भटके और आखिरत में उसे अजाब हो। इसीलिए वो तरह तरह का फैशन, तरह तरह का ट्रेंड निकाल कर ला रहे हैं जिससे मुसलमान औरतें ही बिगड़े, और ज्यादातर इस मोशरे में औरतें ही बिगड़ी हुई हैं। अगर आप ये समझ रही हैं कि वेस्टर्न ड्रेसिंग करने से आप बहुत ज्यादा मॉडर्न हैं, आप आजाद हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान औरत भी आजाद है, मुसलमान औरत के भी राइट्स हैं। पर्दे में रहकर मुसलमान औरत भी इंजॉय कर सकती है, हर जगह जा सकती है, घूम फिर सकती है, काम कर सकती है। पार्टीज, कॉन्सर्ट, डिस्को डांस में जाना वैसे ही हराम है मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि वो शैतानी रास्ता है। तो आप अपने दिमाग से इस चीज को निकाल दें कि अगर आप वेस्टर्न ड्रेसिंग करेंगी, आप मॉडर्न बन के घूमेंगी, तो आप आजाद हैं। पर्दा तो बना ही औरतों के बाहर जाने के लिए है। अल्लाह ताला ने तो औरतों को कुरान में ये हुक्म दिया है कि जब तुम अपने घरों से बाहर निकलो तो पर्दे में निकला करो। तो आप ये क्यों सोच रही हैं कि पर्दा करने से आप कैद हो जाएंगी? अपनी सोच को बदलें और अपनी आखिरत की फिक्र करें, अपनी कब्र की फिक्र करें, क्योंकि मरने के बाद आपको अकेले जवाब देना है अपने अल्लाह को। तो ये दुनिया के चंद फैशन और रंगीनियों के खातिर हम क्यों अपनी कब्र और आखिरत बर्बाद कर लें? कुछ ही टाइम की आजमाइश है ये, अल्लाह ताला सबर करने वालों के साथ है। आजकल की मॉडर्न वुमेन, मैं कहती हूँ मुस्लिम वुमेन्स हैं, क्योंकि हर औरत एक तरह से ही नजर आ रही है और मुस्लिम औरत पर्दे में नजर आ रही है। तो आप लोग खुद सोचें मॉडर्न कौन है। मेरी इन बातों पर गौर और फिक्र जरूर करिएगा, और अगर मेरी किसी भी बात से आपकी दिल आजारी हुई हो तो मुझे उसके लिए माफ कर दीजिएगा। तो भाई, जब आप टॉप 10 मॉल से बाहर निकले तो ये एक आंटी बैठी होती हैं, इनकी प्लीज थोड़ी सी हेल्प कर दिया करें, क्योंकि ये भी रोजी कमाने के लिए बैठी है और हमें चाहिए कि हम इन्हें सपोर्ट करें। बहुत अफोर्डेबल प्राइस में ज्वेलरी सेल कर रही है, 10 रियाल 20 रियाल। तो रिलेटिव्स के लिए यहाँ से शॉपिंग जरूर कर लेना, ज्वेलरी बहुत अच्छी होती है, मैंने पर्सनली यूज भी की है। सो गाइस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।